जिले में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार द्वारा गीडा, खजनी, सिकरीगंज, गगहा, उरवा, गोला बाजार, बढ़लगंज, बेलघाट एवं बासगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। डीएम और एसएसपी ने सभी बूथों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए किए गए व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, बजे तक कितने लोग लाइन में है सबको पढ़वाएंगे, रात में 12 बजे 1 बजे पार्टी वोट मत करो। अगर कोई दिक्कत हुई जाएगा सबकी वोट पड़ेगा, 6 बजे तक जो भी लाइन में ऑर्डर देखिए फाइनल है तो अगर ऑर्डर लिस्ट में तीन साल का नियम के अनुसार ऑर्डर लिस्ट में डाल तो डाल 3 महीने से सो रहे थे लोग। सबसे पहले है कि यहाँ बवाल हो गया, जिस पर बवाल करो उसके एजेंट से सच के नाम देखिए सभी मतदान केंद्र हम लोग अपना क्लस्टर मोबाइल से कवर किए, पर्याप्त फोर्स तैनात है। इसके अतिरिक्त एक्सडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी, एडीएम और हमारे डीएम साहब भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसके अलावा रेंज और जोन के लेवल के अधिकारीगण भी लगातार भ्रमणशील है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष मतदान चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी सूचना जो भी आ रही है उसको तत्काल अधिकारीगण पहुँच के अटेंड कर रहे हैं, लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं है।